नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड। जी हाँ, दुबई से रिलेटेड। भाई आपको पता है इंटरेस्टेड सबसे ज़्यादा लोग दुबई में, हालांकि सब कंट्रीज में ही हैं, लेकिन दुबई से रिलेटेड हम यहाँ पे आज टॉपिक पे बात करेंगे। भाई दुबई में फ़्लाइट की क्या स्थिति है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट लोगों के यही आ रहे हैं दुबई फ़्लाइट के बारे में। हालांकि वीडियो डले हुए हैं, लेकिन लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते। आप लोग पूछते रहते हैं सर दुबई की फ़्लाइट कब से स्टार्ट होगी, तो दुबई की फ़्लाइटें के बारे में हम बात करेंगे। भाई देखिए, सबसे पहले बता दूँ, ये 30 अगर बात करें जून तक, तो फ़्लाइट जून लास्ट तक की फ़्लाइट बैन थी, आप सबको पता ही है। उसके बाद बावजूद भी फ़्लाइटों की डेट बढ़ा दी गई। जी हाँ, और अभी अपन इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि भाई क्या फ़्लाइटें 6 जुलाई के बाद बढ़ेगी, यानी जो बैन की स्थिति है वो क्या बरकरार रहेगी या फ़्लाइटें ओपन हो जाएगी, इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। और कोरोना का सबसे बड़ा रोल रहेगा इसमें। जी हाँ, और अभी दुबई ने कुछ लोगों को छूट भी दी है, दुबई कौन लोग जा सकते हैं इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। जी हाँ, और काफ़ी सारे लोग हैं जो इंडिया दुबई से या किसी भी देश से इंडिया नहीं आना चाहते, अब इसका क्या कारण होता है, इस टॉपिक पे हम सभी से रिलेटेड बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई फ़्लाइटें, आपको पता है जून लास्ट तक आपको पता है बैन कर दिया गया था, ठीक है, लगभग एक महीने की वैलिडिटी बढ़ा दी गई थी, इसको फिर 6 जुलाई तक कर दिया गया। जी हाँ, 6 जुलाई तक फ़्लाइटें इंडिया के लिए बैन हैं, दुबई नहीं जा सकते आप, यूएई दुबई नहीं जा सकते। जी हाँ, अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई क्या 6 जुलाई के बाद भी फ़्लाइटें बढ़ेगी, तो भाई 99.9% ये गारंटेड के साथ ये बात तय होती है कि आगे फ़्लाइटों का समय नहीं बढ़ाया जाएगा। क्योंकि मैंने फर्स्ट में एक वीडियो बनाया था कि भाई जिस देश की फ़्लाइटें बंद हो जाती हैं, मान के चलिए 3 महीने पहले कोई सोल्यूशन नहीं होता है। जी हाँ, वो एक अलग बात है कि धीरे धीरे अपडेट बढ़ते रहते हैं, लोगों को एक साथ में 3 महीने की फ़्लाइट बैन नहीं की जा सकती, पहले 10 दिन, फिर 15 दिन, फिर महीना, इस तरह बढ़ा के 3 महीना। और ये आप समझ सकते हैं कि इस डेट तक अगर जुलाई फर्स्ट तक फ़्लाइटें स्टार्ट हो जाती हैं 6 महीने तक, तो ये मान के 6 जुलाई तक अगर फ़्लाइटें स्टार्ट हो जाती हैं तो पूरे 3 महीने तक फ़्लाइटें बैन हो जाएंगी। जी हाँ, यानी पीछे का टाइम देखें तो, लेकिन 6 जुलाई के बाद में फ़्लाइटें स्टार्ट हो जाएंगी, 100% चांसेस हैं पूरे पूरे। और 1 तारीख को या हो सकता है जून लास्ट को ये अपडेट आ जाए नया कि भाई फ़्लाइटें स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई। अभी भी लोग जा रहे हैं, यूएई ने कुछ ढील दी है, यूएई सरकार ने इंडियन लोगों के लिए। सबसे पहले उन लोगों को छूट मिली थी जो गोल्डन वीज़ा थे, गोल्डन वीज़ाधारी लोग थे, उनको छूट दी गई थी, आप सबको पता ही है वो लोग जा रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले एक अपडेट और यूएई सरकार ने दिया है कि भाई जिन लोगों के पास में सिल्वर वीज़ा है, सिल्वर वीज़ा कौन सा होता है, गोल्डन वीज़ा 10 साल का होता है आप सबको पता है, सिल्वर वीज़ा है 5 ईयर्स का, जिनके पास 5 ईयर्स के जो वीज़ा होल्डर हैं, जो रेडेंशन होल्डर हैं, वो दुबई जा सकते हैं, उनके लिए अभी छूट दे दी गई है, वो लोग जा सकते हैं। तो आप जैसे कैटेगरी की बात करें तो भाई गोल्डन वीज़ा, सिल्वर वीज़ा ये आ गया, तो बाकी कौन सा वीज़ा बच गया, लोहे का वीज़ा। लोहे का कौन सा है, लोहे का हालांकि हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, बाकी जो वर्कर वीज़ा होते हैं, विजिट वीज़ा मान लो, ये तीसरी कैटेगरी में वीज़ा आते हैं। तो ये वीज़ा इनकी कंडीशन है कि 6 जुलाई के बाद स्टार्ट 100% फ़्लाइटें हो सकती हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहूँगा कि जैसे फ़्लाइटें ओपन हो जाती हैं 6 जुलाई को, तो टिकट बिल्कुल बुक ना करें वो लोग जो बजट में हैं, बजट में यात्रा करना चाहते हैं। जैसे पहले टिकट आ रही थी ना इंडिया से दुबई के लिए, 7,000 से लेकर 10,000 के बीच में टिकट मिल रही थी। जी हाँ, लेकिन जैसे ही 6 जुलाई से फ़्लाइटें स्टार्ट हो जाएंगी, तो मान के चलिए एक तरह से तकड़े वाला बाउंडर मचेगा, सब लोग एक साथ जाना चाहेंगे, तो फ़्लाइटों की जो रेट है ना टिकटों की, वो आसमान छुएगी। जो टिकट आपको 10,000 में मिल रही थी, वो 20-25,000 रुपये में टिकट मिलेगी। तो थोड़ा सा वेट करें, जैसे 6 जुलाई को फ़्लाइटें स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप 10 जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई तक फ़्लाइटें आप अगर टिकट लेते हो तो सस्ती मिलेगी, अगर आप अचानक से टिकट लोगे तो आपको महंगी टिकट मिलने वाली, इस बात का आप ध्यान रखिए। जी हाँ, आगे अगर हम बात करें तो भाई यूएई के लोग इंडिया क्यों आना नहीं चाहते, वी के लोग, इंडिया के लोग वी में बैठे हैं लेकिन फिर भी उनको डर लग रहा है। बहुत सारे लोगों ने जब फ़्लाइटें बैन हुई थी तो टिकटें कैंसिल करवा दी थी जो इंडिया आने वाले थे। जी हाँ, इसका सीधा सीधा रीज़न है कि भाई चलो मैं इंडिया चला तो जाऊंगा नो डाउट, लेकिन वापस आने के क्या चांसेज हैं भाई, सोचने की बात है ना। क्योंकि जो लोग आपको पता अप्रैल में आए थे, वो 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए छुट्टी आए थे, आज वो 3 महीने से इंडिया में बैठे हैं, क्योंकि टिकटें फ़्लाइटें बंद हो गई, फ़्लाइटें बैन हो गई तो कैसे, तो वो एक मन में भय होता है कि यार हम यूएई से इंडिया आ रहे हैं
और कल को फ्लाइटें ओपन नहीं हो या कोरोना के केस आंकड़े बढ़ जाएं वगैरह वगैरह कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो फ्लाइटें बैन रहेंगी तो हमारा यूएई आना मुश्किल हो जाएगा। इस चक्कर में लोग डर रहे हैं कि यूएई में इंडिया के लोग यूएई नहीं आना चाहते और जिन जिन देशों की फ्लाइटें बैन है वो नहीं आना चाहते क्योंकि उनको पता है इंडिया जाना तो ईजी है अपने लिए लेकिन आना अपने लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनके जॉब हैं उनके बिजनेस हैं उनके वीज़ाज हैं सब एक्सपायर हो जाएंगे फिर उनको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए लोगों के मन में भय है वो डर रहे हैं कि हमें इंडिया अभी नहीं जाना है जब तक माहौल ठीक ना हो जाए। अब कोरोना की बात करें तो भाई इंडिया में ये फ्लाइटें जब बैन हुई थी ना जब 3.5-4 लाख पर डे आंकड़े आ रहे थे कोरोना के और अभी आज की अगर डेट की बात करें तो लगभग अगर बात करें 16-17 जून की बात करें तो 40,000-45,000 केस आ रहे हैं तो ये एक अच्छा संकेत है। हालांकि इसको हम मान नहीं सकते कि ये रेगुलरिटी कम हो जाएगा क्योंकि पहली लहर आई थी आपको पता है फिर कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया था पर डे इंडिया में 10,000-8,000 आंकड़े आ रहे थे अचानक से बूम होकर 4 लाख पर डे पहुंच गया। अभी ये डाउन हो रहा अच्छी बात है वैक्सीनेशन अगर इंडिया में समय से हो जाए वैक्सीन मिल जाए तो ये एक थोड़ा सा माहौल बन सकता है। कोरोना सरकारें तो तीसरी लहर की भी इंतजाम करने में लगी हुई है कि क्या पता फर्स्ट लहर सेकेंड लहर थर्ड लहर भी अगर आ गई तो लोगों का क्या होगा तो मेडिकल से रिलेटेड हॉस्पिटल से रिलेटेड ऑक्सीजन से रिलेटेड या फिर एक्सपायर्ड जो भी मेडिकल से रिलेटेड हैं पूरा सामान साजो सामान उसकी तैयारी राज्य सरकारें में लगी हुई है और इंडियन सरकार की भी ये प्लानिंग है कि भी कल को अगर तीसरी लहर आ जाए तो उसको कैसे काबू पाया जाए। तो जैसे ये फ्लाइटें ओपन हो आप फटाफट अपनी टिकट लें और अपने अपने देश पहुँच के अपना काम करें क्योंकि भरोसा नहीं है भाई कब क्या हो जाए कोरोना का कोई कुछ नहीं कह सकता और ये इंडिया की बात नहीं है हर देश की कंट्री की ये स्थिति चल रही है। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।